अब हमारे पास क्या बोला है द सम ऑफ रूट्स ऑफ कॉर्डर की इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ इक्वेशन इज दिस थिंग ओके तो करना क्या है हमें सबसे पहले गिवन इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन देखो सोल्यूशन बहुत ईजी सम से ये स्टार दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस फोर के एक्स प्लस K plus equals to के प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो ठीक है अब हम इसे कंपेयर करेंगे किसके साथ कंपेयर करेंगे तो कंपेयर विथ जो हमारा जनरल टर्म है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो क्लियर है एक्स स्क्वायर के साथ ए है यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या रहेगा छिपा हुआ वन सो वी कैन राइट ए एज वन देन बी ऑफ एक्स मीन्स एक्स के साथ जो टर्म है पूरा टर्म वो क्या है बी है दैट इज माइनस फोर के और सी मतलब कांस्टेंट टर्म है दैट इज के प्लस थ्री तो के हो गया थ्री डन अब हमें पता है सम ऑफ रूट्स क्या रहता है सम ऑफ रूट्स है ना सम ऑफ रूट्स मतलब होता है माइनस बी अपॉन ए तो ये माइनस एज इट इज आएगा और बी की वैल्यू क्या है यहां पे माइनस फोर के एंड ए इज वॉट वन माइनस माइनस विकम प्लस ये हो जाएगा फोर के वन लिखने की जरूरत नहीं है देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज रिक्वॉज वॉट सी अपॉन ए अब देखो सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे के प्लस थ्री अपॉन वन तो हमारा आंसर है के प्लस थ्री अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या बोला यहाँ पे सम ऑफ रूट्स मतलब क्या है जैसा बोला है वैसे लिखोगे सम ऑफ रूट्स है ना इज इज डबल तो भाई डबल लिख दिया ऑफ देयर प्रोडक्ट ओके तो अब हमारे पास सोल्यूशन ऑलरेडी है सम ऑफ रूट्स मतलब क्या निकाला है? हमने देखो यहाँ पे फोर के दिख रहे हैं यहाँ पे सम ऑफ रूट्स फोर के सो इट विल बी फोर के डबल मतलब होगा मैथमेटिकल टर्म में टू एंड देर प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या है के प्लस थ्री देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज के प्लस थ्री सी हो गया के प्लस थ्री अब इसे सॉल्व करेंगे फोर के बहुत ध्यान से करना बेसिक मैथ्स है टू के प्लस सिक्स तो फोर के माइनस टू के इक्वर्स देखो टू का आप इधर लेकर आए तो साइन के तो जाएगा माइनस एंड दिस विल बी सिक्स तो इजी. तो फोर के माइनस टू के इज हाउ मच टू के इक्वल्स टू सिक्स दे फो के विल बी सिक्स अपॉन टू विच विल गिव्स यू थ्री सो द वैल्यू फॉर के दे फो के इज हाउ मच थ्री बहुत ही ईजी सम है सिर्फ थोड़ा सा सोचना था क्योंकि आपके पास एक ये स्टेटमेंट दिया हुआ है ठीक है स्टेटमेंट्स को जितना भी हो सके आप इस फॉर्म में लिखिए इट विल बी इजी फॉर यू